हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिट प्राइज। क्या मूव था आज? जो हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था वीकली एनालिसिस पे, सारा दुनिया वीकली एनालिसिस किया तब बोला कि मार्केट बेयरिस दिख रहा है। मैं जब किया तब बहुत सारे लोग ने मुझे बोला कि यार यार सबको लग रहा है मार्केट बेयरिश है, तू क्यों बोल रहा है मार्केट बुलिश लग रहा है। ये कुछ प्राइस ऑब्जर्वेशन है। और जब कोई बड़ा इवेंट होता है ना तब प्राइस ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है, ठीक है, जो दिखता तब वो नहीं होता। एनीवेज जो भी हो, अभी हम लोग का टारगेट भी होने वाला है निफ्टी में, तो हम लोग का टारगेट हो गया, वीकली टारगेट जो था निफ्टी में डन। अच्छा, अभी हम लोग कल क्या कर सकते हैं? बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है, निफ्टी क्या दिख रहा है, और कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी जैसा दिखाई दे रहा है, 45,300 के नीचे अगर गैप डाउन दिया, ठीक है, 45,300 के नीचे अगर गैप डाउन दिया तभी मार्केट में थोड़ा बेयरिशनेस आएगा। और 45,400 से लेके 45,600 तक ओपन होता है तब भी ये बुलिश काइंड ऑफ रहेगा, और कल 45,900 तक एक अटेम्प्ट कर सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। और अगर 45,300 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तब बेयरिश हो जाएगा और आपका 44,900 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। आपको समझ में आया? अगर फ्लैट ओपन होता है 45,600, 45,400 के आसपास या फिर 45,600 के ऊपर भी ओपन होता है तब वो रिट्रेस करके 45,900 तक जा सकता है। और गैप डाउन, अगर इनकेस गैप डाउन हो गया 45,300 के नीचे तब आपको 44,900 तक का मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। मार्केट अभी जो, क्योंकि बजट 1 तारीख को, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगा, तो आप थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो तब आप वॉलेटिलिटी को प्ले कर सकते हो, नहीं तो आप बहुत बुरा फंसोगे। क्योंकि आज भी देखोगे आपका ऑप्शन का जो प्राइस था बहुत ही अजीब टाइप का फ्लक्चुएट कर रहा था, तो ये अभी नॉर्मल हो जाएगा, 2-3 दिन के लिए नॉर्मल रहेगा ये, मतलब ऐसा ही पैटर्न रहेगा। निफ्टी में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा, क्योंकि निफ्टी आज बहुत मूव कर चुका है रिलायंस के लिए, तो ऑब्वियसली कल मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर कल निफ्टी जाता भी है तो मैं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कम्फर्ट नहीं लग रहा है अभी। तो अगर इनकेस निफ्टी 21,600 के नीचे गैप डाउन ओपन किया तभी मैं बेयरिश के लिए मैं जाऊंगा, अदरवाइज़ अगर निफ्टी कुछ भी करेगा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कल, क्योंकि निफ्टी अभी यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और कल बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आज निफ्टी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर लिया ऑलरेडी और बैंक निफ्टी अभी भी अपने आप को बस होल्ड ही किया, इतना ज़्यादा अपमूव नहीं दिया। और निफ्टी अगर जहाँ देखोगे कि वो पूरा कंटिन्यूसली अपमूव किया, तो निफ्टी तो मुझे कुछ खास कल के लिए कुछ खास लग नहीं रहा है। 21,600 के नीचे गैप डाउन देने से मैं थोड़ा सा ट्रेड करूँगा, वो भी बेयरिश, और बाकी वॉलेटाइल हो सकता है, साइडवेज टू वॉलेटाइल हो सकता है निफ्टी मेरे हिसाब से कल। और फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी का देख लेते हैं। फिन निफ्टी का भी सिंपल रखो, 20,350 के नीचे अगर गैप डाउन दिया, 20,350 के नीचे अगर गैप डाउन दिया तभी बेयरिश होगा, और 20,400 से लेके 20,500 तक ओपन होता है तब ये पॉजिटिव, मतलब आप पॉजिटिव के लिए ट्रेड कर सकते हो। और 20,500 के ऊपर आपको 20,650 तक का मूव मिल सकता है, ठीक है। और अगर 350 के नीचे ओपन हुआ है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है, तो आपका 20,150 तक का आपका मूव मिल सकता है कल फिन निफ्टी में। और आपका जो 20,350 का लेवल है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट होगा, अगर मान लो फ्लैट ओपन करके इसको तोड़ता है, ठीक है, तब आप प्राइस एक्शन फॉलो करके आप ट्रेड कर सकते हो 20,150 के लिए टारगेट के लिए फिर निफ्टी में। सेम आपका निफ्टी में भी होगा, अगर आप मान लो अभी कल 21,600 पे, 680 पे या 640 पे ओपन होता है देन इसको तोड़ता है 600 को, तभी आप वहाँ पर प्राइस एक्शन देख के बेयरिश ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी में भी सेम, अगर वो आपका 45,300 तोड़ के कहीं पर ऊपर ओपन होके, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का ओपन होके 45,300 को तोड़े देन वहाँ पर एक प्राइस एक्शन बिल्ड करे देन आपका 44,900 तक का मूव वहाँ पर भी मिल सकता है। सो सिंपल है कल का, कि कल ज़्यादा कुछ नहीं देखना, मतलब फ्लैट और फ्लैट ओपन, हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग में आप बायस पॉजिटिव रखो, लेकिन अगर आपको प्राइस जो दिखाएगा आप तो वही करोगे, इसलिए मैंने आपको सारा लेवल दे दिया और कैसे ट्रेड करना वो भी बता दिया, ठीक है। तो कल, और बस एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अभी क्वांटिटी थोड़ा सा कम करो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल
होने वाला है 2-3 दिन के लिए, एटलीस्ट बजट तक रहेगा या फिर बजट के 1-2 दिन तक भी रह सकता है, 2-3 तारीख तक वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहेगा। उसके बाद शायद थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप लोग क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और ख्याल रखना। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो यार, सब्सक्राइब करके जाओ और लाइक भी करो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो। जैसे वीकली एनालिसिस आप देखा होंगे कि मेरा एनालिसिस काफ़ी अच्छा ही था। तो जो भी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कॉन्टेंट तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके जाओ यार, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।